हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई पार्ट कॉम। सो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉरपोरेट अकाउंटिंग। कॉरपोरेट अकाउंटिंग के बारे में आज मेरा जो ये लेक्चर है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन कॉरपोरेट अकाउंटिंग। तो मैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग में इसी सीरीज़ में लेक्चर्स अपने बनाऊँगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कॉरपोरेट अकाउंटिंग के लेक्चर्स की ज़रूरत है, तो टू फुलफिल द डिमांड ऑफ दोज स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई फर्स्ट वीडियो ऑन कॉरपोरेट अकाउंटिंग। सो पहले हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग ही डिस्कस कर लेते हैं, दैट वॉट इज कॉरपोरेट अकाउंटिंग। सो फ्रेंड्स, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, जब भी हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग की बात करते हैं, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, इट मीन्स दैट कॉरपोरेट मीन्स कंपनी। कॉरपोरेट मीन्स कंपनी। वैसे तो हमने काफ़ी सारी अकाउंटिंग पढ़ी है, जैसे हमने फिनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है, हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी है, ठीक है, हमने और भी क्या कहते हैं कि इनकम टैक्स अकाउंटिंग पढ़ी है, काफ़ी सारी अकाउंटिंग हमने पढ़ी है। कॉरपोरेट अकाउंटिंग जो है, दिस इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ये भी क्या है, एक ब्रांच है। ब्रांच है मतलब ये फिनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट है, हम इसको एक अलग से ब्रांच नहीं कह सकते हैं। ब्रांच तो फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यही है। एक्चुअली कॉरपोरेट अकाउंटिंग जो है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग। दैट इज अ पार्ट ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग। इट इज नथिंग, इट इज ओनली ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग। ये क्या है, ये फिनेंशियल अकाउंटिंग ही है। लेकिन जो फिनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ते हैं वो किसके कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं, उसको हम पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप इनके केसेस में पढ़ते हैं। तो वही फिनेंशियल अकाउंटिंग जब हम किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, जब हम किसी कंपनी की अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर कॉरपोरेट अकाउंटिंग। इसका मतलब क्या है कि वी प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स, वी प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ व्हाट, कंपनीज। तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग में क्या है, वहां पर भी हम बैलेंस शीट, वहां पर भी हम क्या कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे, लेकिन वहां पे हम क्या करते थे, एक पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे, या एक सोल प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे, या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे। लेकिन यहां पर जो हमारा पूरा जो कंसेंट्रेशन है, दैट इज ओनली ऑन कंपनी। यहां पर हम पूरा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एक कंपनी में किस तरह की अकाउंटिंग होती है, ठीक है। तो यहां पर कंपनी में हमको क्या करना है, पूरा कंपनीज एक्ट 2013 को हमें फॉलो करना है। तो जब भी हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है कि वी प्रिपेयर अकाउंट्स, वी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी प्रिपेयर बैलेंस शीट, व्हाट एवर दोज थिंग्स आर, दैट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमको फॉलो करने ही करने हैं, प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ साथ, क्योंकि अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग के लिए तो हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या हम ये कहें कि इंड एस, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्स्ड विद IFRS, इंड एस तो फॉलो करना ही करना है। बट उसके साथ साथ हमको जो प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट 2013 के, उन्हें भी फॉलो करना है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग की बात करेंगे, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग रिलेटेड टू कंपनीज, ठीक है। कंपनीज की अकाउंटिंग करनी है कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें किस तरह से एंट्रीज करनी है। तो इसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि इसमें हमें क्या क्या करना है। इसमें हमें इश्यू ऑफ शेयर्स करने हैं, शेयर्स में हमारा इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर दोनों आ जाता है, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करने हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कि हम प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे रिडीम करते हैं। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स का इश्यू हमको करना है। उसके अलावा हमें रिडेम्पशन, इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करने हैं, इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करने हैं। उसके अलावा हमें फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज करना है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज करना है अकॉर्डिंग टू रिवाइज शेड्यूल 3, अकॉर्डिंग टू रिवाइज शेड्यूल 3। यहां पर हमको रिवाइज शेड्यूल 3 फॉलो करना है। उसके अलावा हमारा एमलगमेशन है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, एमलगमेशन।
उसके अलावा हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, जिसको हम आईआर बोल देंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके अलावा हमारा अकाउंटिंग फॉर होल्डिंग कंपनीज है, होल्डिंग कंपनीज है। एमलगमेशन में हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स हैं, इसको भी हमें करना है अच्छे से, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा क्या कहते हैं कि लिक्विडेशन है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम पर्टिकुलर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमें करना है। तो बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर से, इशू ऑफ शेयर्स। ये टॉपिक जो है ये ऑल दो है तो एम क्या कहते हैं कि कंपनीज अकाउंट का, लेकिन ये क्लास ट्वेल्थ में जो स्टूडेंट्स हैं, जिन जो बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है, क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स उनका पूरा अलग से एक चैप्टर है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब हम इशू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो हम पहले देखेंगे कि शेयर्स क्या हैं, व्हाट डू मीन बाय शेयर्स। जब भी हम बात करते हैं कि भाई शेयर्स क्या हैं या स्टॉक क्या है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि शेयर्स क्या हैं। तो सिंपली जब हम शेयर्स को डिफाइन करेंगे, तो शेयर मींस व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशंस, इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशंस, दैट स्मॉल डिनोमिनेशन इज कॉल्ड शेयर। इसका क्या मतलब है, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी, टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल डिनोमिनेशन, ठीक है। सो दैट स्मॉल डिनोमिनेशन इज कॉल्ड शेयर्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, शेयर्स, इसको हम शेयर्स बोलते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि भाई जो कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, वो है 50 लाख रुपीज की। वो कितने की है, 50 लाख रुपीज की है। मैंने कह दिया कि ये जो 50 लाख रुपए है, अब अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से बोलूं कि लो भाई मुझे 50 लाख रुपीज दे दो, मुझे अपनी कैपिटल, क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल है इतना मैं इशू कर सकता हूं मार्केट में, लाओ तुम मुझे 50 लाख दे दो, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी पर्सन टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दैट कंपनी। कोई अकेला पर्सन 50 लाख कंपनी को नहीं दे सकता है। तो कंपनी क्या करती है, जो कैपिटल हो उसकी, जो टोटल ऑथराइज कैपिटल है उसको, या जो भी उसकी कैपिटल है उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल डिनोमिनेशन में डिवाइड कर देते हैं, ताकि एक कॉमन पर्सन भी जिसके पास कम पैसे हैं वो भी कंपनी के कैपिटल में या कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके कंपनी की कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर सके। तो इसको हमने कह दिया भाई ये जो 50 लाख के शेयर्स हैं, दैट इज डिवाइडेड इनटू अगर 50 लाख शेयर्स हैं, 50 लाख डिवाइड बाय 100, अगर मैं कह दूं कि, तो इसको मैं कहूंगा कि 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, ऑफ रुपीज 100 ईच। इसका क्या मतलब है, ये जो स्मॉल डिनोमिनेशन मैंने बना दिया, पूरी कैपिटल को, 50 लाख रुपए की कैपिटल को मैंने 100 रुपए के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, भाई 100 रुपए के शेयर्स हैं, तो वो जो 100 रुपए के स्मॉल डिनोमिनेशंस में मैंने डिवाइड कर दिया कैपिटल को, दैट इज कॉल्ड शेयर्स। अब मैं इजिली मैं कहूं भाई जिसके पास 500 रुपए भी है वो भी 5 शेयर्स खरीद सकता है, जिसके पास क्या कहते हैं कि 1,000 रुपए है वो भी 10 शेयर्स खरीद सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि कोई स्मॉल इन्वेस्टर या कॉमन पर्सन भी जो है वो कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकता है, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, कंपनी की कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स, अगर मैं पूछूं शेयर्स क्या है, तो हमको बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाना है, हमको सिंपली ये कहना है कि व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशंस, दोज स्मॉल डिनोमिनेशंस आर कॉल्ड शेयर्स। हम उन स्मॉल डिनोमिनेशंस को क्या बोलेंगे, शेयर्स बोलेंगे। अच्छा, शेयर्स कितने तरह के होते हैं, जनरली जो शेयर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, शेयर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से,
कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों शेयर्स अलग अलग हैं, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है दोनों शेयर्स का वो सेम है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देयर इज नो एनी चेंजेस इन बोथ टाइप ऑफ शेयर्स, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, दोनों शेयर्स अलग अलग हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ शेयर कैपिटल विच हैव वोटिंग राइट, विच हैव वोटिंग राइट्स बट डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट्स, बट डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर डिविडेंड, प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर डिविडेंड। इसका क्या मतलब है कि उनके पास जो है वोटिंग राइट्स तो है, दे आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ अ कंपनी, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में वो वोट करने के लायक हैं, दे आर लायबल टू वोट, दे हैव राइट्स टू वोट, उनके पास वोटिंग राइट्स हैं इधर बाई शो ऑफ हैंड्स और बाई पोस्टल बैलेट और बाई एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, किसी भी तरह से वो क्या है AGM में एनुअल जनरल मीटिंग में वो वोटिंग राइट रखते हैं, वोट्स कर सकते हैं, अपने वोट्स को कास्ट कर सकते हैं। दे हैव वोटिंग राइट बट दे डू नॉट हैव एनी प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर डिविडेंड। इसका क्या मतलब है, उनके ऊपर हम रेजिडुअल थ्योरी को अप्लाई करते हैं। सपोज दैट कंपनी के पास 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो उस 100 रुपए के प्रॉफिट में से पहला जो प्रेफरेंशियल राइट वो देगी डिविडेंड का, या जो पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेफरेंस देगी, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी। उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर कोई प्रॉफिट्स बचता है, देन ओनली दैट रेजिडुअल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसका क्या मतलब है, बचा हुआ प्रॉफिट, रेजिडुअल प्रॉफिट का मतलब क्या है, बचा हुआ प्रॉफिट जो है वो हम किस में करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स में करेंगे। बचा है तो करेंगे, नहीं बचा है वो भी नहीं करेंगे, बचा है तो करेंगे, नहीं बचा है तो भी नहीं करेंगे। हम कहते हैं भाई प्रॉफिट नहीं बचा हमको, तो यू आर नॉट लेबल टू रिसीव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट दिस पर्टिकुलर ईयर। तो यहाँ पर क्या है कि उनके पास वोटिंग राइट्स है बट दे डू नॉट हैव एनी प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर डिविडेंड। इसी का रिवर्स कर दो तो हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर दोज शेयर कैपिटल विच डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, विच डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, उनके पास कोई वोटिंग राइट्स तो नहीं है बट दे डू हैव प्रेफरेंशियल राइट्स, दे डू हैव प्रेफरेंशियल राइट्स, उनके पास क्या है प्रेफरेंशियल राइट्स हैं, दे आर बीइंग गिवन प्रेफरेंस ओवर डिविडेंड। हम डिविडेंड जब प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले जो डिविडेंड देंगे वो किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये तो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, भाई इक्विटी शेयर तो एक ही तरह की है, भाई इक्विटी शेयर कैपिटल है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो पहला तो है रिडीमेबल, रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल, रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल। इसका क्या मतलब है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। मैंने कहा कि भाई 10 साल के लिए मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है, तो 10 साल के बाद हमें आपका जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो क्या करना है, रिडीम करना पड़ेगा। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिडीम्ड एट ऑल, उसको हमें सिर्फ उनको साल दर साल जो है डिविडेंड्स देते जाना है, उनको खुश करते जाना है, बट वहां पर हमारा कोई भी रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होगा, मतलब कि वो परपेचुअल टाइप के होंगे, वो हमको कभी रिडीम नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ हमको उनको क्या करना है, डिविडेंड्स देते जाते रहना है। ठीक है, सेकेंड है कुमुलेटिव एंड नॉन कुमुलेटिव, कुमुलेटिव एंड नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, सपोज दैट मैंने आपको बताया कि जो शेयर होल्डर्स हैं दे आर लाइबल टू रिसीव डिविडेंड्स, डिविडेंड्स हम कब पे करते हैं, वेन एवर देर इज अ प्रॉफिट, डिविडेंड्स आर पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, जब हमारे पास प्रॉफिट होगा कंपनी के पास देन ओनली डिविडेंड्स आर पेड, बिकॉज डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ऐसा नहीं कि हमारे पास प्रॉफिट हुआ ही नहीं और फिर भी हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, हाँ इट माइट बी पॉसिबल, हो सकता है हमने पिछले रिजर्व में से डिस्ट्रीब्यूट किया हो, हमारे पास जो रिजर्व क्रिएटेड है उसमें से लेकिन वो रिजर्व भी आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किया गया है, हमने जो पिछले साल के रिटेन अर्निंग्स वगैरह में से था लेकिन वो भी क्या है प्रॉफिट का ही पार्ट है। ऐसा नहीं कि हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं है और हम क्या कहते हैं डिविडेंड को डिक्लेयर कर दें। तो इसका क्या मतलब है, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं कि सपोज दैट
किसी साल ऐसा हो गया कि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, तो उस साल हमने क्या किया, डिविडेंड नहीं दिया। तो अब ये क्या है, ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड अगले साल या आगे आने वाले जिस साल में प्रॉफिट होगा उस साल के प्रॉफिट में, मतलब हमको क्या करना है, पिछले साल के भी सारे डिविडेंड्स हमको देने पड़ेंगे। सपोज दैट 2 साल कंपनी के साथ ऐसा हुआ कि उसको प्रॉफिट्स नहीं हुए और उसने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, तो अब अगर कम्युनिटिव प्रेफरेंस शेयर्स अगर उन्होंने इशू किए होंगे, कंपनी ने इशू किए होंगे, तो तीसरे साल जो प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से उस साल का तो डिविडेंड देना ही देना है, प्लस वो जो पिछले दो सालों का डिविडेंड कुमुलेट हो गया है, कुमुलेट का मतलब एड ऑन हो गया है, तो वो डिविडेंड भी हमको क्या करना है, पे करना है। तो दैट इज कॉल्ड कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसका क्या मतलब है, एट द टाइम ऑफ लॉस व्हेन द कंपनी इज अनेबल टू पे द डिविडेंड, दोज डिविडेंड्स गेट्स एक्युमुलेटेड एंड इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन द ईयर इन विच द कंपनी अर्न्स द प्रॉफिट्स। जिस साल कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उस साल उसको पिछले सभी सालों के एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशंस को, सॉरी एक्युमुलेटेड डिविडेंड्स को क्या करना है, पे आउट करना है। दैट इज कॉल्ड कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसका रिवर्स कर दो, दैट इज नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं भाई, प्रॉफिट्स है तो डिविडेंड लो, नहीं है घर बैठो। हम बिल्कुल भी नहीं होगा कि 2 साल लॉस हो गया तो इस 2 साल के डिविडेंड को हम तीसरे साल जब प्रॉफिट होगा तो उसको देंगे, नो। प्रॉफिट्स है तो डिविडेंड लो, नहीं तो आई एम नॉट लायबल टू गिव यू डिविडेंड्स एट ऑल। तो वो क्या होता है, नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तीसरा है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स नाम से ही पता चला है, विच कैन बी कन्वर्टेड। अच्छा, ऐसा नहीं कि प्रेफरेंस शेयर्स को हम डिवेंचर्स में कन्वर्ट करते, नो, शेयर्स कभी डिवेंचर्स में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। डिवेंचर्स को हम एक क्या कहते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में, लेकिन हम कभी शेयर्स को डिवेंचर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, जिसको हम आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड उसको हम क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड एट ऑल, जो हम कभी कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, वो हमारे क्या हैं, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो ये तो हो गए सिंपली हमारे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ शेयर कैपिटल, या बाइफर्केशन कह सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ शेयर कैपिटल। जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें वहां पे बाइफर्केट करके बाइफर्केशंस दिखाने पड़ते हैं शेयर कैपिटल के, कि भाई ऑथराइज कैपिटल कितनी है, फिर क्या कहते हैं कि इशूड कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, तो हमको इसका बाइफर्केशन करके दिखाना पड़ता है। तो ये बाइफर्केशन हमको समझना है कि भाई ऑथराइज कैपिटल क्या है, इशूड शेयर कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, तो डिफरेंट तरह की हैं। तो पहले हम आते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम रिवाइज शेड्यूल 3 में जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिवाइज शेड्यूल 3, यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी बाइफर्केशंस क्लियरली। हमको सारे बाइफर्केशंस क्लियरली शो करने पड़ते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है भाई? सो ऑथराइज शेयर कैपिटल आर दोज शेयर कैपिटल द कंपनी इज ऑथराइज शेयर कैपिटल इज ऑथराइज शेयर कैपिटल मोर देन विच द कंपनी कैन नॉट इशू थ्रू आउट द लाइफ। इसका क्या मतलब है कि अपने पूरे लाइफ टाइम में कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है, वो एक लिमिट है ऑथराइज शेयर कैपिटल, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी को अपना एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देना होता है, जिसमें एक कैपिटल क्लॉज होता है। तो कैपिटल क्लॉज में वहां पर उसको अपनी एक ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखनी पड़ती है कि उससे ज्यादा कंपनी शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है थ्रू आउट द लाइफ, मतलब पूरे लाइफ टाइम में उतने ही शेयर्स इशू कर सकते हैं, उससे ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, इसमें ऑल्टरेशंस पॉसिबल हैं, इसको हम ऑल्टर भी कर सकते हैं। वो जब हम कंपनीज एक्ट या कॉरपोरेट लीगल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो उसमें हमारा है कि ऑल्टरेशन कैसे किया जा सकता है, कैपिटल क्लॉज को, नेम क्लॉज को कैसे ऑल्टर करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, वो हम पढ़ेंगे, वो हम कॉरपोरेट अकाउंट कॉरपोरेट लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑथराइज शेयर कैपिटल इज अ लिमिट द विच ऑथराइज द कंपनी टू इशू द शेयर कैपिटल थ्रू आउट द लाइफ। द कंपनी कैन नॉट इशू मोर देन द ऑथराइज शेयर कैपिटल थ्रू आउट द लाइफ। थ्रू आउट द लाइफ वो अपने
ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा कैपिटल शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकती है, तो दैट इज कॉल्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर इशूड शेयर कैपिटल। अब सपोज इट ऑथराइज शेयर कैपिटल हमने कह दिया भाई 5 लाख शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 100 ईच है, द कंपनी इज ऑथराइज बाई 5 लाख शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। अब ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे 5 लाख शेयर एक बार में इशू कर दे, ऐसा कभी नहीं होता है। कंपनी कुछ कुछ पार्ट्स में करती है। सपोज दैट इसमें से कंपनी ने कहा भाई अभी हम 1 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं स्टार्टिंग में, बाकी के हम बाद में शेयर्स इशू करेंगे। तो इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल विच इज बीइंग ऑफर्ड फॉर जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, विच इज बीइंग ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इसका क्या मतलब है कि जब हम ऑथराइज शेयर कैपिटल में से कुछ शेयर्स को जनरल पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करते हैं तो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर आता है हमारा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या है? ठीक है, इशू कर दिया हमने 1 लाख। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हमने 1 लाख पूरा इशू किया तो 1 लाख पूरे सब्सक्राइब हो जाएं, वहां पे अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या है कि सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द जनरल पब्लिक। सपोज दैट इसमें से जनरल पब्लिक ने 80,000 शेयर्स को सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी 20,000 अभी सब्सक्राइब नहीं हुए, तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, 80,000 इज योर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ऑथराइज हो गया, इशूड हो गया, सब्सक्राइब हो गया, कॉल्ड अप। अब हमें भी पता है कि जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो पूरा का पूरा प्राइस हम एक साथ नहीं लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं। जब अभी हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे तो उसमें आएगा कि द अमाउंट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, एप्लीकेशन पर है, अलॉटमेंट पर है, फर्स्ट कॉल पर है, सेकंड कॉल पर है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स बना देते हैं। तो कॉल्ड अप का मतलब क्या है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल विच इज बींग कॉल्ड बाई द कंपनी। भाई मैंने कह दिया भाई आपके जो शेयर कैपिटल है जो आपने सब्सक्राइब किया है, अब उस सब्सक्रिप्शन में आपने एप्लीकेशन के टूवर्ड्स 2 रुपए देने हैं, अलॉटमेंट पे 3 रुपए देने हैं, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए और सेकंड कॉल पे 3 रुपए देने हैं। तो मैंने कहा भाई अभी एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल अभी नहीं हुआ है और सेकंड कॉल भी अभी नहीं हुआ है, मतलब कंपनी ने अभी कॉल नहीं किया है, तो इसका मतलब कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई, 2 रुपए एप्लीकेशन के और 3 रुपया अलॉटमेंट का, तो 5 रुपए हमारी क्या हो जाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड कॉल्ड अप। अच्छा, पेड अप क्या है, पेड अप क्या है? अब सपोज दैट कुछ लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया दैट इज कॉल्ड अनपेड कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल इस केस में कितनी हो जाएगी, 2 रुपया। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी ने नहीं दिया, हो सकता है किसी ने दे दिया हो किसी ने नहीं दिया हो। तो सपोज दैट 80,000 में से 70,000 वालों ने तो दे दिया है अलॉटमेंट का पैसा, लेकिन 10,000 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो वो जो 10,000 शेयर्स उसकी जो पेड अप वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी ओनली 2 रुपीज। बाकी के जो 70,000 शेयर्स हैं उनकी पेड अप वैल्यू पूरी 5 रुपीज होगी, लेकिन जो 10,000 शेयर्स हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन दे रखा है तो उनकी जो पेड अप वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी ओनली 2 रुपीज विच इज पेड टूवर्ड्स एप्लीकेशन ओनली। तो दिस इज कॉल्ड योर पेड अप शेयर कैपिटल। अच्छा, तो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, अब मैं डिस्कस कर लेता हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब हम शेयर्स को इश्यू करते हैं, ठीक है, जब हम शेयर्स को इश्यू करते हैं तो उस केस में हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा, हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या एंट्रीज करनी पड़ेंगी, वो हमें यहां पर सीखना है। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के दो चीजें, दो वो हो सकते हैं, एस्पेक्ट हो सकते हैं। पहला एस्पेक्ट तो है कि जैसे स्कूलों में करवाते हैं कि भाई आप ये एंट्रीज हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आप इसको याद कर लें, सिंपल। ये स्कूल के टीचर्स की टेक्निक होती है भाई आप इसको याद कर लें। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने याद किया है तो फॉर टाइमिंग तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, बट लॉन्ग टाइम के लिए आप भूल जाओगे। जैसे बहुत लोग बीकॉम में पढ़ के आए, 12th में पढ़ के आते हैं, बीकॉम में भूल जाते हैं, फिर बीकॉम में पढ़ के आते हैं, फिर मास्टर्स में भूल जाते हैं। वो जब उनके, जब मैं कहूँगा कि चलो भाई पढ़ो इसको, शेयर कैपिटल की एंट्री करो, तो कहेंगे सर रुक जाओ पहले मैं एंट्रीज याद कर लूँ। ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल एंट्रीज को समझने की कोशिश करो। एक बार अगर तुमने एंट्रीज को समझने की कोशिश कर ली तो आपको खुद लगेगा कि वो जर्नल एंट्रीज मुझसे बात कर रही हैं और वो खुद कह रही हैं कि भाई आपने
अपने ऐसे ऐसे एंट्रीज करनी है, तो खुद ब खुद अपने आप एंट्री होती जाएगी, ठीक है। वहां पे आपको कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो एंट्रीज अपने आप हो जाएंगी, आप बस माइंड में सोचोगे और पेपर पे एंट्रीज होगी। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्चुअली बताने की कोशिश करूंगा। पहला है, देखो प्रोसेस क्या होता है इश्यू ऑफ शेयर्स का। पहले कंपनीज क्या है, प्रॉस्पेक्टस इश्यू करती हैं। सिंपल प्रोसीजर होता है, जैसे नॉर्मली मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज दैट इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन जामिया मिलिया इस्लामिया, अगर आपको जामिया में एडमिशन या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो कंपनीज क्या, यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, पहले तो प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं, ब्रोशर इशू करते हैं अपने उस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर का, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन की यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस कैसा है, यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटी में वो डिफरेंट कोर्सेज की फीस कितनी है, सीट्स कितनी हैं, ड्यूरेशन कितना है, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशनड इन दैट पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्टस। तो कंपनी यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, भाई प्रॉस्पेक्टस इशू करती हैं, उसमें बताती हैं कि आपको अगर अप्लाई करना है तो ये डेट है, स्टार्टिंग डेट, ये एंड डेट है, इतनी एप्लीकेशन फीस है, तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन उसमें होती हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, अलॉन्ग विथ सम एप्लीकेशन फीस, अलॉन्ग विथ सम एप्लीकेशन फीस, वहाँ पे हम एप्लीकेशन टाइम पर कुछ फीस देते हैं, और हम ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो ऑनलाइन फॉर्म में हम पेमेंट करते हैं बैंक के थ्रू, सीधा उसके बैंक अकाउंट में, जामिया के या डीयू के बैंक अकाउंट में क्या होगा, वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, हमारे बैंक अकाउंट से वो डेबिट हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि सेम इसी तरह जब कंपनीज शेयर्स को इशू करती हैं, तो पहले कंपनीज क्या करते हैं, प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं, प्रॉस्पेक्टस में अपनी सारी कंपनीज की इन्फॉर्मेशन, फंडामेंटल्स एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, उनकी बैलेंस शीट, रिपोर्ट्स, रेशियोज एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ईच एंड एवरी तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो अपना सब्सक्रिप्शन के लिए इन्वाइट करते हैं, भाई आप हमारी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करिए। तो हम क्या करेंगे, हम कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे अलॉन्ग विथ सम एप्लीकेशन मनी, हमने उनको कुछ एप्लीकेशन मनी दी होगी। अच्छा, कंपनीज जब एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रही हैं तो बैंक में रिसीव करेंगी, बैंक कैसा अकाउंट है, बैंक इज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। प्लीज, बहुत सारे बच्चे कहते हैं बैंक इज असेट्स, रियल अकाउंट है, नो, बैंक इज नॉट योर एसेट, नॉट अ रियल अकाउंट, बैंक इज योर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, बैंक रिप्रेजेंट्स बैंक होल्डर, अगर क्या कहते अकाउंट होल्डर, अगर मेरा अकाउंट केनरा बैंक में है तो आई एम बींग रिप्रेजेंटेड बाई दैट पर्टिकुलर बैंक अकाउंट, जो भी अगर मेरा अकाउंट है किसी बैंक में तो उस बैंक अकाउंट से मैं रिप्रेजेंट हो रहा हूं। अगर कोई मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट कर रहा है तो इट डजेंट मीन कि वो मेरे अकाउंट में पेमेंट कर रहा है, इट मीन्स दैट कि वो मुझे पेमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक अकाउंट्स जो है वो मेरे फेवर में, मेरे बिहाफ पे पेमेंट्स कर रहे हैं या पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं। तो बैंक क्या है, वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। तो जब हम शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो कंपनीज के बैंक अकाउंट में पैसे डालेंगे, क्योंकि हमने एप्लीकेशन फीस दी है शेयर्स की, तो कंपनी अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, हु इज रिसीविंग, बैंक इज रिसीविंग, ऑन बिहाफ ऑफ होम, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सपोज अगर हमने 100 रुपए के शेयर्स हैं और 100 रुपए हमने रिसीव कर लिया है, सॉरी क्या कहते हैं कि 100 रुपए के शेयर्स हैं उस, सॉरी 500 रुपए के, 1000 रुपए के शेयर्स हैं सपोज दैट, ठीक है, जिसमें हमारा जो क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन का रेट है वो 100 रुपीज़ है, या 500 का ले लेते हैं शेयर्स, एप्लीकेशन का रेट क्या है, 100 रुपए है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है, शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो उन्होंने पैसे हमको दिए हैं। अब हमारी लाइबिलिटी होती है, ये जो एप्लीकेशन मनी मैंने रिसीव किया है, दैट इज अ लाइबिलिटी ऑन मी, ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि मैंने अभी तक उनको उस पैसों के अगेंस्ट शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं। जब तक हम उनको शेयर्स अलॉट नहीं कर देते हैं, तब तक वो एप्लीकेशन मनी हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट मैंने मिस्टर ए है, मिस्टर ए को मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, मैंने मिस्टर ए को बोला भाई मई महीने की फीस हमको एडवांस में दे दो, उन्होंने मुझे एडवांस में दे दिया, अब तो मेरे लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। जब तक मैं उसको पढ़ा नहीं देता तब तक वो लाइबिलिटी मेरी अदा नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, मैंने उनसे, लेकिन सर ये मत कहो कि यूनिवर्सिटीज़ तो पैसा ले लेती हैं एप्लीकेशन का और एडमिशन भी नहीं देती, फीस भी वापस नहीं करती, तो यूनिवर्सिटीज़ का अलग केस है, वो उनका बिल्कुल सोर्स ऑफ इनकम है, वो कभी नहीं वापस करेंगी आपको। लेकिन
कंपनीज के केस में क्या है कि अगर शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं तो एप्लीकेशन मनी शुड बी रिफंडेड, वो एप्लीकेशन मनी क्या है वो रिफंड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने मिस्टर ए हैं, उन्होंने हमारी कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और उस शेयर्स के अगेंस्ट उन्होंने 100 रुपये दे रखा है, तो दैट इज़ अ लाइबिलिटी ऑन मी। तो इसलिए हमने क्या किया, एक जो फॉर टाइम बींग लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी एप्लीकेशन मनी की, तो उसको हमने क्या किया, क्रेडिट किया है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका मतलब क्या है, ये 100 रुपये हमको पता चल रहा है कि मेरे अकाउंट में जो 100 रुपये आए हैं बैंक अकाउंट में, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है जब तक कि हम उसको शेयर्स अलॉट नहीं कर देते। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या है, भाई सारे पैसे आ गए, अब हमने उनको शेयर्स अलॉट कर दिया। तो जैसे ही हमने शेयर्स अलॉट किया तो ये लाइबिलिटी हमारी ख़त्म, हमने उनको शेयर्स अलॉट कर दिए, तो वो पैसा मैं क्या करूँगा, अपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये लाइबिलिटी तो हमारी ख़त्म हो गई। तो शेयर एप्लीकेशन जब लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, हमारी जो लाइबिलिटी थी एप्लीकेशन मनी की वो खत्म हो गई, तो हमने इसको क्या किया, डेबिट किया। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अब उस पैसे को मैंने क्या किया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया तो हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज इन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अगर मैं आपको कह देता भाई ये वाली एंट्री याद कर लो, याद करना बहुत सिंपल है, सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल सर, इतना क्या मेहनत कर रहा हूँ, सिंपल याद करने को बोल दो, तो ठीक है आप याद भी कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअली समझ लो तो इट इज़ गुड फॉर यू, कि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए हो जाएगी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया और उनको हमने अलॉट कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ शेयर्स को अलॉट नहीं करते हैं तो उनके पैसे को हमको रिफंड करना पड़ता है, तो उसी में हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट कर देंगे। जब हम रिसीव करते थे तो बैंक में आता था, तो डेबिट द रिसीवर बैंक अकाउंट को डेबिट करते थे, जब हम वापस करेंगे तो हम बैंक अकाउंट के ही थ्रू करेंगे, तो क्रेडिट द गिवर, मैं ही वापस कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं, तो मैं अपने आप को क्रेडिट करूंगा, अपने आप को मतलब कंपनी को नहीं, कंपनी के बैंक अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हम वहां पे बाद में देखेंगे कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम इस एंट्री को देखेंगे। अब दूसरा, भाई हमने शेयर्स के एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिए, हमने शेयर्स को अलॉट भी कर दिया। अब क्या है, जैसे हमने कह दिया भाई एडमिशन प्रोसीजर देख लो, एडमिशन की फीस आपने अप्लाई की, एप्लीकेशन फीस पे की, अप्लाई किया, आपने एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस क्लियर हो गया, मैंने कहा अच्छा ठीक है आइए, आपका एंट्रेंस क्लियर हो गया है, अब आपकी लाइबिलिटी है कि मैंने आपको एक रिसीट इशू कर दिया, फी रिसीट, मैंने कहा भाई ये फीस जो है आपको 10th of May तक सबमिट कर देनी है। तो इसका मतलब क्या है कि नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिपॉजिट द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब फीस जो है, एप्लीकेशन मनी के बाद अब फीस की बारी आ जाती है जिनको एडमिशन मिल गया है। तो इसी तरह से जब हमने एप्लीकेशन मनी दिया, हमको जिन लोगों को शेयर्स अलॉट हो गए, जिनको नहीं हुए हो तो अपने घर चले गए, लेकिन दोज शेयर होल्डर्स हु हैज बीन अलॉटेड शेयर्स, अब उनकी दूसरी जिम्मेवारी क्या है कि दे शुड पे द मनी ड्यू टूवर्ड्स अलॉटमेंट। अब मैं क्या करूँगा, मैंने उनको भाई जैसे मैंने ना फी रिसीट इशू कर दी, अब मैंने उसको इश्यू कर दी, इश्यू करने के टाइम पे मैंने उसको मान लिया कि वो फी हमने रिसीव कर ली, क्योंकि जो भी अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं वो ड्यू बेसिस पे करते हैं, नॉट ऑन रिसीट बेसिस, उसको हम क्या करते हैं, ड्यू बेसिस पे। तो ड्यू बेसिस पे हमने उसकी एंट्री कर दी होगी भाई हमारे अकाउंट में ये पैसे आने हैं, फिर जब वो डिपॉजिट कर देगा तब हम दिखा देंगे कि हाँ ये पैसा अब आ गया। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे शेयर होल्डर्स को एक रिमाइंडर दे दिया कि भाई आपको इस दिन तक अपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो अलॉटमेंट का है पैसा है वो पे करनी है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, अपने अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में ये एंट्री कर दी शेयर अलॉटमेंट की। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मैंने कहा भाई 100 रुपए जो शेयर अलॉटमेंट का था दैट बिकम ड्यू। अब मुझे एक बात ये बताओ, इनकम विच बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, दैट इज योर एसेट। मैंने कहा कि भाई मिस्टर ए, मैंने आपको अप्रैल महीने के मंथ में ट्यूशन पढ़ाया था, वो बिकम, दैट इनकम बिकम ड्यू, दैट इनकम बिकम ड्यू, वो अर्न हो गई है लाइए। अब तो जब तक वो इनकम हमारी रिसीव नहीं होती तब तक वो हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, तब तक हमारे लिए क्या है एसेट्स है। तो इसी तरह से अगर शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया है, एनी इनकम विच बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव दैट इज योर एसेट्स, तो फॉर टाइम बिंग जो अलॉटमेंट का मनी का पैसा है दैट इज ट्रीटेड एज योर एसेट, इसको हम अज्यूम करने की हमारी एसेट्स है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, यहाँ पर डेबिट किया, इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड। अच्छा, अब हमने इसको ड्यू तो कर दिया, ड्यू बेसिस पे अगर हमने इसको ड्यू कर दिया, हमने मान लिया है कि भाई ये पैसा आना है, तो एट द सेम टाइम हमारी कैपिटल भी बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने बैलेंस शीट में एक तरफ दिखा दिया दूसरी तरफ नहीं दिखाएंगे, तो एट द सेम टाइम 100 रुपए से हमारी शेयर कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू बेसिस पर
हमने अपनी कैपिटल को भी इंक्रीज कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे सेम बैंक अकाउंट डेबिट, अपने पॉकेट में तो रिसीव नहीं करेंगे, बैंक में करेंगे, तो डेबिट द रिसीवर, बैंक इज रिसीविंग, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हमने ये 100 रुपए रिसीव कर लिया। कुछ अगर अनरिसीव्ड अमाउंट्स हैं तो उसका भी ट्रीटमेंट हम देखेंगे, अभी फिलहाल मैं सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, जो स्पेशल केसेस होंगे उनको हम एज जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट कॉल ड्यू हो गई, फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सेम यहाँ पे ड्यू की एंट्री, इन इनकम विच बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव, दैट इज योर असेट्स, तो इंक्रीज इन असेट्स इज डेबिटेड, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, एट द सेम टाइम हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड देन हमको रिसीव करना है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट कॉल का पैसा था वो हमने यहाँ पर बैंक में रिसीव कर लिया। फिर इसी तरह से हमारी सेकेंड कॉल की भी एंट्री हो जाएगी, आगे जितनी भी कॉल्स हैं उतनी कॉल्स की हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, पहले ड्यू फिर रिसीव, ड्यू फिर रिसीट, ड्यू फिर रिसीट, तो इस तरह से हमारा क्या है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है इक्विटी शेयर्स और प्रिफरेंस शेयर्स का दोनों का ही सेम है, इन दोनों के लिए अलग अलग नहीं। तो मैंने पहले बताया था कि कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों सेम है, लेकिन अकाउंटिंग मींस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या है, सॉरी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, दोनों सेम है, दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, वो सेम होगी। तो दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो आई होप कि आज के लिए इतना ही आपको रखते हैं, ठीक है। प्लीज एंट्रीज को याद मत रखिएगा, मतलब याद मत करिएगा, कॉन्सेप्चुअली समझिएगा, दैट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। सो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हेल्प मी टू प्रमोट एंड टू ग्रो माई चैनल। थैंक यू एंड